बच्चे। ये देखो हमें यहाँ ब्लू शीप मिल गई। घर कुछ यहाँ पे ऐसे ही मिलेंगे व्हाइट कलर के। तो ये देखो ये है एमनाइट के फॉसिल्स। यहाँ पे लंगजा विलेज और इसको बोलते हैं यहाँ पे फॉसिल विलेज। और ये है यहाँ पे कॉमिक की मोनेस्ट्री। तो ये दो पोस्ट कार्ड मैं भेज रही हूँ और ये भी इन्होंने स्टोर करके रखा है सर्दियों के लिए। तो अभी यहाँ पे सनसेट होने लगा है। पार वाले किबर में अभी भी धूप है। एक ग्रुप में ये आईवैक्स है। ये इधर को ही आ रहे क्या? ये देखो जो खेत से धान लेके आ रहे हैं उसको इस तरह से यहाँ पे। यहाँ स्पीति में ना थोड़ी ऑक्सीजन की कमी भी होती है। तो अभी हम लोग हैं चीचम रिज पे और ये है एशिया का सबसे ऊंचा पुल। की मोनेस्ट्री से कुछ ऐसा व्यू है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए व्लॉग में। और आज का दिन शुरू हो रहा है हमारा काजा से। कल हम रात को यहाँ पहुँचे थे, अंधेरा हो गया था, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तो आज हम जाएंगे कुछ जगह घूमने और चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। और आज के लिए हमने अपने लिए टैक्सी बुक की है। एक दिन के लिए बुक होती है और पूरा एक 6 जगह है वहाँ लेके जाती है। तो सुबह पहले हम नहाए धोए फ्रेश हुए, अभी हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है, अभी हम सब तैयार हो चुके हैं। तो काजा में वेजिटेशन बहुत कम है और यहाँ पे ऐसे ही पहाड़ देखने को मिलेंगे, बहुत बड़े बड़े, और कोल्ड डेजर्ट है ये। और वहाँ पे सामने देखो पहाड़ों पे बर्फ भी है और ये काफी नजदीक है। और धूप बहुत तेज है तो अपने साथ चश्मा भी ले जाते हैं और इसको भी पहनते हैं हम। और अपने साथ यहाँ पे ऐसे वाले मास्क बहुत जरूरी है, बहुत तेज धूप पड़ रही है, अभी भी बाजू जल जाएगी और बाहर से कुछ पहनना पड़ेगा। और ये आई हमारे साथ की दो सखियाँ तैयार होके। अब हम चल पड़े हैं टैक्सी के लिए। कैसी लग रही धूप? छाते की जरूरत महसूस हो रही है ना? और यहाँ पे लिखा है आई लव स्पीति। यस आई लव स्पीति। और शायद ये टैक्सी हो सकती है हमारी। तो ये वाली हमारी टैक्सी नहीं है, हमारी टैक्सी भी आ रही है, ये कोई और है। लोग कुछ तो थैंक यू को क्या बोलते हैं? थैंक यू को क्या बोलते हैं आप लोग? थैंक यू को जंगसोंग। हाँ जंगसोंग। तो यहाँ पे एक टैक्सी आ गई है, पूछना पड़ेगा कि ये हमारी है या क्या किसी और की है। तो चलिए पूछते हैं इनको। अर्चू हमारी है? तो अभी टैक्सी आ गई है और गर्ल्स आर यू एक्साइटेड? चलते हैं अब। तो टैक्सी हमारी आ गई और अब हम चल पड़े हैं। सबसे पहले कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, सबसे पहले हम जा रहे हैं लंगजा। तो जिस गाड़ी में हम जा रहे थे इसका पंचर हुआ है, पहले ये ठीक करेंगे। अभी हम काजा हो गया ठीक? चलो ठीक है, पंचर नहीं था, कुछ तो था मतलब, पर हो गया ठीक, चल रहे अब। तो हमें लग रहा था टायर पंचर है पर टायर पंचर नहीं है, कुछ तो है। अब हमें भैया बता नहीं रहे हैं, अभी हम काजा भी हैं, अब जब चलेंगे आपको भी बताएंगे। तो अभी हम रास्ते में और हम जा रहे हैं सबसे पहले लंगजा। दिलजीत दोसांझ इन द हाउस। कॉपीराइट तो नहीं है आपको? तो आज की सबसे पहली डेस्टिनेशन हमारी होने वाली है लंगजा विलेज, जो कि फॉसिल विलेज भी कहलाया जाता है हिमाचल प्रदेश का, क्योंकि बहुत साल पहले वहाँ पे फिश के फॉसिल्स मिले थे और साथ में एमेनाइट्स के फॉसिल मिले थे। पर यहाँ पे हमें सबसे पहले ब्लू शिप दिखी जो कि पहाड़ के ऊपर थी और इससे देख के बहुत खुशी हुई। लेकिन बाद में तो हमें इससे भी ज़्यादा ब्लू शिप मिली। और स्पीति के गाँव कुछ इस तरह के होते हैं और यहाँ पर बर्फ़ से ढके पहाड़। तो हम लोग पहुँच चुके हैं लंगजा और ये है लंगजा गाँव। तो लंगजा में यहाँ पे है बुद्धा की स्टैचू, हम जा रहे हैं वहाँ पे। अभी भी यहाँ पे टूरिस्ट आए हैं बहुत सारे और गांव है इस साइड को। तो हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पे लंगजा स्टैचू के पास। बुद्धा की बहुत बड़ी स्टैचू है यहाँ पे। और अच्छू यहाँ कर रही है लोकल से बात। ठीक है अच्छू। तो है ये है यहाँ पे लंगजा विलेज और इसको बोलते हैं यहाँ पे फॉसिल विलेज भी, क्योंकि यहाँ पे बहुत पहले एमेनाइट्स के फॉसिल भी मिले थे, अभी भी मिलते हैं शायद। और वो है ऊपर ट्रायंगल वाला पर्वत जिसके ऊपर हमेशा बर्फ रहती है। तो ये देखो ये है एमेनाइट्स के फॉसिल जो यहाँ पे मिलते इस गाँव में। तो ये देखो ये है एमेनाइट के फॉसिल्स
अभी भी मिलते रहते हैं। और यहाँ पे हो रहा है इनका फोटो शूट, साथ में हम बहुत तेज हवा चल रही है। ये वाले घर भी लांगजा विलेज के अंदर आते हैं। अर्चू जो सामने कुछ है घर दिख रहे हैं, ये भी लांगजा विलेज के अंदर ही आते हैं। तो यहाँ की लाइफ ना बहुत डिफिकल्ट है यार, कैसे रहते होंगे यहाँ पे, पानी की भी सुविधा नहीं होती अच्छे से। तो फिलहाल टूरिज्म यहाँ के लिए अच्छा है, हर घर में होम स्टे मिल ही जाएंगे। तो बाकी यहाँ पे मटर की खेती होती है, आलू की खेती होती है। तो हम लोग यहाँ वापस अपने टैक्सी के पास पहुँच चुके हैं और नेक्स्ट हमारी डेस्टिनेशन होगी कॉमिक। लांगजा विलेज से अब हम चल पड़े हैं कॉमिक की तरफ, जो कि है हाईएस्ट मोटरेबल विलेज स्पीति वैली का। और यहाँ के खेत कुछ इस तरह के होते हैं, जिसमें कि आजकल इन्होंने मटर बीजे थे वो निकाल के अब कुछ और बिजाई कर रहे हैं। अभी हम रास्ते में यहाँ पे निकले और यहाँ पे ना ब्लू शीप है सामने, ये देखो एक ब्लू शीप, दो यहाँ पे ऊपर को और एक बड़े वाला यहाँ है ऊपर। ये भी आएगा नीचे, ये देखो हमें यहाँ ब्लू शीप मिल गई, ये जा रहे रोड से नीचे। हाँ ऊपर में एक काफी बड़े बड़े सिंग वाला भी है, इसके सिंग बहुत बड़े बड़े हैं, दो ऊपर है। ये देखो ब्लू शीप। तो पिछली बार हम इतना चाह रहे थे कि हमें ये मिले, पर हमें मिली ही नहीं, इस बार तो रास्ते में ही मिल गई। और पूरा झुंड है इनका, कुछ एक यहाँ है, कुछ एक वहाँ है, कुछ एक रोड के ऊपर को है। चले तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर, जो कि है कॉमिक और ये है वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल विलेज। अभी हम जाएंगे यहाँ मोनेस्ट्री है वहाँ जाएंगे और थोड़ा इधर उधर देखेंगे। वैसे हम पिछली बार भी यही रूट फॉलो किया था हमने, पर ये है कि हमारे साथ एक नया मेंबर है इसीलिए इनको हम घुमा रहे हैं। तो यहाँ पे है कॉमिक की मोनेस्ट्री और ये है यहाँ से कुछ ऐसा व्यू, डेजर्ट ही दिखेगा यहाँ पे, बाकी कुछ नहीं। और जब आप पहाड़ों में यहाँ पर ट्रैवल करोगे ना ट्राइबल एरियाज में, कुछ भी करने का मन नहीं करेगा, जैसे मतलब मुझे भी व्लॉग बनाने का मन भी नहीं होता है, ऐसा लगता है कि बस इसी को फील करो और यहाँ की जो जीवन शैली है उसको ऑब्जर्व करो। तो ये है कॉमिक की मोनेस्ट्री, लेकिन यहाँ पे लेडीज़ को अंदर अलो नहीं करते, नीचे तक करते, अंदर ऊपर को नहीं जा सकती लेडीज़, तो लड़कियाँ भी। तो यहाँ पे कुछ कौवे के खाने के लिए रखा है और एक एक करके कौवे आ रहे हैं और इसको खा रहे हैं। तो क्या बोलते हैं इनको, कौवे हैं ये इतने बड़े बड़े। और यहाँ पे है इनकी चोंच पीली कलर की है। तो यहाँ पे पीछे बहुत सारे टूरिस्ट आए हैं, फोटोज ले रहे हैं, शायद ग्रुप है ये एक। और ये है यहाँ पे कॉमिक की मोनेस्ट्री और यहाँ से अब दिखेगा कॉमिक का गांव, जो कि है बिल्कुल नीचे को। मोनेस्ट्री यहाँ पे बिल्कुल टॉप में है और ये गाँव है नीचे को, ये है कॉमिक विलेज। और यहाँ पे खेत कुछ इस तरह के होते हैं, यहाँ पे मटर बीजते हैं लेकिन अभी निकाल दिया इन सब ने, अब वे सर्दियों की तैयारी कर रहे हैं। आजकल ये लोग घास स्टोर कर रहे हैं, मैंने रास्ते में देखा कि आंटी वगैरह घास काट रहे थे थोड़ा थोड़ा, यहाँ घास भी नहीं लगता है ज़्यादा, ये थोड़ा बहुत जो छोटा छोटा घास लगेगा इसी को काट के सर्दियों के लिए स्टोर करेंगे। और सर्दियों में यहाँ पर 2 से 3 महीने शायद बर्फ़ भी रहती होगी, तो यहाँ का जनजीवन ना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। घर की छतों के ऊपर ये लोग घास स्टोर करते हैं और सुखाते हैं इसको, और घर कुछ यहाँ पे ऐसे ही मिलेंगे वाइट कलर के, हर गांव में ऐसा ही होगा। और यहाँ पे नेटवर्क भी काफ़ी कम होता है, ये वहाँ पे जियो का टावर लगा है, अब जाके यहाँ पे शायद जियो का सिग्नल होता है, एयरटेल का अभी भी नहीं है, मेरे पास एयरटेल की सिम है तो एयरटेल का नेटवर्क यहाँ पे नहीं है और जियो का ही थोड़ा बहुत नेटवर्क आता है। बीच बीच में रास्ते ऐसे हैं जहाँ पे बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं है, यहाँ पे ऐसी सुविधा नहीं है। तो अभी हम लोग कुछ खाने जाते हैं और फिर आगे का सफर। तो यहाँ पे आ गया हमारा लंच, लंच में है कुरकुरे मोमोज और नूडल्स। तो यहाँ पे हमने लंच कर लिया है और अब हम कहाँ जाएंगे अर्चना शर्मा? हम जाएंगे हिक्किम, हिक्किम यकीबर, हिक्किम हिक्किम जाएंगे, रास्ते पर हिक्किम। अपना सामान यहाँ से उठा लेते हैं। यहाँ पे खाना बहुत महंगा है, हमने दो चीज़ें मंगाई थी, चाउमीन और मोमोज, तो उन दोनों के लगे टोटल 640 रुपये। चलो तो अब हम लोग बैठेंगे वापस अपनी टैक्सी में और चलेंगे आगे। लो
कॉमिक से अब हम चल पड़े हैं हिक्किम की ओर, जहाँ पे वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। और रास्ते में बहुत सारे गधे दिखे हमें, क्योंकि यहाँ पे लोग पालते हैं इनको, और आजकल यहाँ पे घास काट रहे थे तो ये लोग गाड़ी में भर भर के घास ले जा रहे हैं। वैसे तो आपको देखने को मिलेगा, ज़्यादा घास है नहीं, लेकिन अब जो थोड़ा बहुत उगता है यहाँ के लोग उसी को काट के सर्दियों के लिए स्टोर करते हैं। यहाँ पर लेडीज़ स्टोर कर रही थी घास और बाकी लेडीज़ काट रही थी, तो कुछ ऐसा जीवन है यहाँ का, बहुत मुश्किल सा है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं हिक्किम, यहाँ पे है वर्ल्ड्स का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस ये, और आज संडे तो बंद भी होगा और यहाँ से पोस्ट कार्ड पोस्ट कर सकते हैं अपने घर के लिए। मैं इस बार पोस्ट करूँगी अपने दीदी और जीजू के लिए यहाँ से। तो ये है स्पीति वैली का, और वो देखो, वैसे मैंने पिछली बार भी पोस्ट किया था लेकिन वो वहाँ पे पहुँचा ही नहीं, घर के लिए किया था मैंने और वो पहुँचा ही नहीं। मैं इस बार सोच रही हूँ होपफुली ये पहुँच जाए, और ये मैंने चूज किया है धनकर है, तो तो रामपुर जाएगा सीधा। लो ये, तो यहाँ पे हम ले रहे भैया से पोस्ट कार्ड और ये भेजेंगे हम अपने अपने रिश्तेदारों। तो ये दो पोस्ट कार्ड मैं भेज रही हूँ रामपुर के लिए, देखते हैं पहुँचते हैं कि नहीं। पिछली बार तो पहुँचे नहीं, इस बार देखते हैं, चलो भेजते हैं। चलो इस बार मैं भेज रही हूँ एक स्पीति वैली का धनकर का, ये भी स्पीति वैली का। चलो तो अब जा रहे हम पोस्ट ऑफिस के पास इनको पोस्ट करने। अक्षु भी भेज रहे हैं यहाँ से अपने भाई के लिए और फैमिली के लिए पोस्ट कार्ड। हेलो डालो, थोड़ा जोर से डालना ताकि ये उसमें जाए बकेट जैसे अंदर, बस। हाँ, कैसा फील हो रहा है? अच्छा, ये देखो हम यहाँ से पोस्ट कार्ड भेज रहे हैं, अब देखते हैं पहुँचते हैं कि नहीं पहुँचते हैं, थोड़े फोटोज ले लेते हैं फिर चलते हैं यहाँ से। तो ये है यहाँ पे पोस्ट ऑफिस, कुछ इस तरह का गोलाकार बना है, और अब हम यहाँ से भी जाने लगे तो यादव को यहाँ से समेट के भी चलते हैं, और अब चलेंगे अपने टैक्सी की, और नेक्स्ट शायद हम किब्बर जाएंगे या फिर चीचम, जहाँ भी जाएंगे आपको पता लग जाएगा। और मेरा मूड अभी बहुत फ्रेश हो गया है क्योंकि मेरे अच्छे अच्छे फोटोज आ गए ना, इसलिए चलो। और वहाँ देखो घर की छतों के ऊपर घास सुखा रहे हैं साथ साथ में। रास्ते में यहाँ पे एक पाइप मिली जिसमें कि पानी आ रहा है, और हमारी बॉटल भी खाली हो गई थी तो हमने सोचा यहाँ से पानी भरेंगे, ये पीने का पानी अच्छा होता है। ओ, ये बहुत ठंडा है, बिल्कुल जैसे बर्फ़ की तरह, ये बहुत ठंडा पानी है। पानी भर के हम चले वापस और अपने साथ पानी, ये बिल्कुल ग्लेशियर से पिघल के जो पानी आ रहा है वो है। अभी हम लोग चल पड़े अब किब्बर की ओर, और ये प्लेयर हमारा शहीद हो चुका है, ये प्लेयर अभी है, ठीक है। अभी तक हमारे तीन विलेज कवर हो चुके थे और नेक्स्ट हम जा रहे थे किब्बर की ओर, पर रास्ते में उससे पहले आता है की विलेज और की मोनेस्ट्री, लेकिन हम अभी वहाँ नहीं जा रहे थे, हम जा रहे थे डायरेक्ट किब्बर, और की मोनेस्ट्री हम वापसी में आएंगे। तो ये जो आपको सामने विलेज दिख रहा है ये है की विलेज, और यहाँ पर भी बहुत सारे होम स्टेज हैं, चाहो तो आप यहाँ पर भी स्टे कर सकते हो। और विलेज थोड़ा नीचे को है और मोनेस्ट्री इसकी भी टॉप में है। मोनेस्ट्री हर जगह की ही ऊंचाई पे होती है, और ये सामने ऊपर दिख रही है की मोनेस्ट्री, और यहाँ पे थोड़ी बहुत प्लांटेशन की है पेड़ पौधों की, तो थोड़े बहुत पेड़ पौधे भी इसके आसपास दिख रहे होंगे आपको, और ये काफ़ी अच्छी जगह है। तो अभी हम किब्बर पहुँच चुके हैं, हम जा रहे आंटी से बात करने। तो अभी हम पहुंच चुके हैं किब्बर गांव में, और यहाँ पे हम एक आंटी के घर पे आए हैं। अभी यहाँ पे मुझे दिखा कि ये घास भर रहे हैं बोरे में, और ये देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि यहाँ किस तरह से लोग रहते हैं। पहले आप ये देख लो, ये है पूरा किब्बर गांव, काफ़ी बड़ा है, इसको मिनी शिमला भी बोलते हैं यहाँ, इसको बोलते हैं काजा का शिमला। और ये देखो आंटी यहाँ पर घास स्टोर करते इस तरह से, और यहाँ पर इन्होंने रखा है जौ है, और ये इन्होंने सुखाने को रखे है जौ, ये सत्तू वाले, और यहाँ पे इन्होंने रेजिड्यू रखा है, ये है मटर का, और ये भी इन्होंने स्टोर करके रखा है सर्दियों के लिए गाय को खिलाने के लिए। ये देखो सारा तरपाल के नीचे भी रखा है, और ये भी, और ये है जौ। तो जिसको मैं ये सोच रही थी कि ये गेहूं या जौ है, ये तो घास है, ये घास के लिए बीजते कुछ इस तरह का, ये आंटी बोल रहे थे इसमें कोई भी दाने नहीं है, ये देखने में ऐसा लग रहा है ना अंदर को ये खाली है, खाली।
जैसे हमारे यहाँ पे गिल्टे होते हैं ना, इनके यहाँ पे छोटू से गिल्टे होते हैं। देखो इसको सिर पे उठाते हैं। तो ये लोग ना खेतों से ट्रैक्टर में अपना अनाज लेके आते हैं। देखो यहाँ पे, तो अभी यहाँ पे सनसेट होने लगा है। पार वाले किबर में अभी भी धूप है और इधर को अब छाव हो गई है। भैया इतने प्यारे, इन्होंने ट्रैक्टर ऑन रखा था, इसका शोर आ रहा था तो इन्होंने बंद कर दिया कि मुझे वीडियो बनानी थी इसलिए। और ये देखो यहाँ पे, ये है यहाँ पे मोनेस्ट्री किबर की, और ये गांव है। यहाँ पे हर घर में होम स्टे होगा और बाकी लोग अभी गांव में जा रखे हैं। वहाँ पे इनके खेत हैं, वहाँ पे सारे खेत गए अपने काम करने। ये सारे वहाँ से जौ लेके आ रहे हैं और गेहूँ लेके आ रहे हैं काट के इन ट्रैक्टरों में यहाँ के लिए। एक म्यूल किबर गांव का हेलो। और ये देखो जो खेत से धान लेके आ रहे हैं उसको इस तरह से यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं। और खेत उनके बहुत दूर है, वहाँ से यहाँ तक ट्रैक्टर में लाएंगे, यहाँ पे फिर इस तरह से स्टोर करेंगे। यहाँ स्पीति में ना थोड़ी ऑक्सीजन की कमी भी होती है। यहाँ के लोगों को तो आदत है, लेकिन जैसे हम बाहर से आते हैं ना लोग, तो हमें थोड़ी दिक्कत हो जाती है। और अब हम लोग चले, कहाँ चले? चीचिम। अब हम जा रहे हैं चीचिम की तरफ और वहाँ से भी हम आए यू। अरे ये रहा किबर, किबर ऊपर रह गया। तो ये है चीचिम ब्रिज। पहले यहाँ फोटो शूट होगा, फिर यहाँ पे वीडियो बनेगी। ओके गाइस, तो अभी हम लोग हैं चीचिम ब्रिज पे और ये है एशिया का सबसे ऊंचा पुल। अगर यहाँ से नीचे देखोगे ना भाई, डर लगता है, डर। हाँ, ऐसे मुंह से निकलता। हाँ देखोगे, ये देखो, ये देखो इस साइड से सारी चारों तरफ ढांकी ढांकी और नीचे इतना नीचे है ये। तो ये है जी चीचिम ब्रिज। अब यहाँ से भी हम चले फोटो फोटो खींच के। फ्रेश हो गई हो? बिल्कुल फ्रेश हो गया, यहाँ की फ्रेश एयर खाकर। यस, ये बहुत अच्छी हमारी। और ये बहुत, फोन की बैटरी रह चुकी है पूरी 10%। पावर बैंक नहीं लाई मैं, वो रूम पर रह गया। अपने पास पावर अभी बहुत है, जब दिन को नहीं थी जो, क्योंकि अब धूप नहीं है, लेकिन अब हम फोन में बैटरी नहीं है। और वापसी में ना हमें यहाँ पे आई बैग्स भी दिख गए, वो इतने सारे ग्रुप में है। ये आई बैग्स है, वाह वाह वाह, तीन चार है ये। देखो वहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है। वो वाला तो पोज भी दे रहा है, ये आई बैग्स है। ये इधर को ही आ रहे क्या? ऊपर को जा रहे, ऊपर को जा रहा है ये। एक ही दिन में क्या क्या दिख गया, पाँच छः है ये। और ये इधर को ही आ रहा है ऐसा लग रहा। ये देखो आईबैक्स यार, आईबैक्स। ये इधर इधर क्यों आ रहा है फिर? वहां पे सामने आईबैक्स है, ये देखो। और इसकी फैमिली नीचे को जैसे है, वहां उस वाले ढांक पे। इधर को ही आ रहा है ये वाला तो। बाय। तो लास्टली हम आ गए हैं की मोनेस्ट्री और यहाँ है ऊपर की मोनेस्ट्री। अब सनसेट भी हो गया, थोड़ी ठंड भी होगी, तो हम सब ने गर्म कपड़े पहने हैं, लेकिन इन मोहतरमा को बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही है, इसीलिए इन्होंने अभी तक गर्म कपड़े नहीं पहने हैं। और की मोनेस्ट्री में वीडियोग्राफी अलाउ नहीं होती है, वहाँ हम अपने इनर पीस के लिए जा रहे हैं। वहाँ नहीं होती है, बाहर बाहर कर सकते हैं, अंदर आप कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। थोड़ी देर बैठेंगे, मेडिटेशन करेंगे और चलो। और हमारी ये लास्ट प्लेस है आज का, छह जगह घुमाते हैं ये एक दिन में, तो ये सिक्स्थ है। और मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना आई वैक्स को देख के, कि मतलब लास्ट टाइम मैं ये सोच रही थी मुझे क्यों नहीं दिख रहे कुछ भी ब्लू शीप आई वैक्स, इस बार दो दो दिखे आई वैक्स भी, ब्लू शीप भी। और अक्षिता का तो पहली बार में ही इतने दर्शन हो गए आपको। तो हम पहुँच चुके हैं की मोनेस्ट्री। तो की मोनेस्ट्री से कुछ ऐसा व्यू है, तो अभी जाके हम मोनेस्ट्री से बाहर आ रहे हैं। तो हम थोड़ी देर अंदर बैठे मेडिटेशन की, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अब चले वापस, फोन भी आ गया है हमें कि लेट हो गए हैं, चलते हैं वापस। तो हम
हम लोग वापस काजा पहुंच चुके हैं और हमारे यहाँ ग्रोसरी स्टोर कुछ शॉपिंग करना है, थोड़ा बहुत खाने का सामान लेने शाम के लिए। बोल तो बोल रहे थे, सुनो जो भी तुमने अभी कहा उस बात को यही दफन कर दो, ऐसे हमारा ये इस ट्रिप का है ऐसे दफन। और रात को काजा में लाइट्स इस तरह से ऑन हो जाती है स्तूपास के पास, देखो कितने सारे हैं ये। तो रूम पहुंच के सबसे पहले हम पियेंगे चाय, पूरे दिन की थकान निकालेंगे। हमारे साथी है अक्षिता जी, ये हमारी अच्छी मित्र बन चुकी हैं अब, और ये छुप रही है कप के पीछे, पर इनको पता नहीं कप का साइज और फेस के साइज में फर्क है। ये हमारे डिनर की तैयारी के लिए हो रहा है, पर ये क्या रखा है यहाँ बीच में, ये पता नहीं क्या है, हमारे पास बिस्किट है, नमकीन है ये। और हमारी दादी अम्मा लग चुके हैं डिनर की तैयारी में। बाय। रात के 11:09 हो रहे हैं और हमारा डिनर अभी हो रहा है। यहाँ देखो ये हमारी दादी अम्मा हमें खाना सर्व करते हुए, टाइम लग जाता है क्या करें, अब बातें करते करते और खाना बनाते बनाते। आज खाने में हमारी दादी अम्मा दाल भी बनाई है, कढ़ी भी बनाई है, मीठा भी बनाई है, और इधर खीरे काटे हैं, और इधर एक और दाल बनाई है। दादी अम्मा धन्यवाद, तुम ना होती हमारा क्या होता, कुछ होता, टाइमली खाना खाते। हाँ ये तो है, दादी अम्मा हमें खाना इस टाइम खिला रही है। तो अभी रात के हो रहे 2:12 और हम लोग अभी तक नहीं सोए हैं, क्योंकि ये लोग देख रहे हैं मेरा व्लॉग अभी इतनी रात को। मेरे फैन यहीं पे है साथ में, इन्हें खींच के इन्होंने व्लॉग देखने पे जोर दिया, इनको भी टाइम मिला है ना इसीलिए, और अब सोना पड़ेगा। टाइम यार टाइम, सुबह हमें कहीं जाना भी है तो टाइम देख लो। तो फिलहाल के लिए तो आज का व्लॉग करती हूँ यही एंड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। देखो अच्छा इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस इज मधु वर्मा साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर, अन्योन। तुम भी लगा लो, नमस्ते जी, गुड नाइट। जूले जी ठीक है जी, अब कल मिलते हैं आपके साथ तो कल मिलते हैं आपके एक और नए ब्लॉग के साथ, और ब्लॉग देख लेते हैं, हंस हंस के बुरा हाल होगा।